नमस्कार, आपका स्वागत है प्रेरणा समाचार में। मैं हूं पल्लवी। नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आइए जानते हैं क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक। नागरिकता संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। इससे नागरिकता संबंधी कानूनों में बदलाव होगा। नागरिकता संशोधन बिल, जिसके अंतर्गत सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन किए गए हैं, इसके अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। यह बिल भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। बिल के संसद से पारित होने और कानून के अमल में आने के बाद उपयुक्त समुदाय के शरणार्थी देश में किसी भी राज्य में रह सकेंगे। बता दें कि 1955 सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार भारत की नागरिकता के लिए 11 साल देश में निवास करना जरूरी है, लेकिन इस संशोधन के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों के लिए निवास अवधि को घटाकर 6 साल करने का प्रावधान है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने 26 सितंबर 1947 को अपने एक भाषण में कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख अगर वहां नहीं रहना चाहते हैं तो अवश्य भारत आ सकते हैं। उस स्थिति में यह भारतीय सरकार का पहला कर्तव्य है कि वह उन्हें नौकरी दे और उनके जीवन को आसान बनाए। आइए जानते हैं आखिर क्यों जरूरी है नागरिकता संशोधन विधेयक। मुस्लिम बहुल देशों में पिछले कई दशकों से हिंदुओं, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए इन धर्मों के अनुयायी समय समय पर विस्थापित होकर भारत आते रहे हैं। पाकिस्तान के ही अखबार डॉन में 13 मई 2014 को प्रकाशित एक खबर के अनुसार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अनुसार हर साल 5,000 विस्थापित हिंदू भारत आते हैं। हमारे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन, नरसंहार, यौन उत्पीड़न और संपत्तियों पर अवैध कब्जा सहन करना पड़ता है। इसी विषय पर हमारी चर्चा हुई राष्ट्रदेव के संपादक श्री अजय मित्तल जी से। आइए सुनते हैं उनसे चर्चा का ये अंश। विश्व भर में एक मान्य परिभाषा है शरणार्थी की और घुसपैठिए की, तो उसको ध्यान रखा गया है। संघ का जो उसका आयुक्त है रेफ्यूजी के लिए, उन्होंने जो परिभाषा दी 1952 में, शरणार्थी वह है जो अपने धर्म या विश्वास के कारण से होने वाले उत्पीड़न के कारण जान, माल और धर्म को बचाने के लिए अपने देश को छोड़कर करने की देश में आकर रहता है, वो शरणार्थी है। और घुसपैठी के संबंध में ये है कि जो बेहतर जीवन अवसरों की तलाश में दूसरे देश में जाता है वो घुसपैठी है। अब मुसलमान जो है वो इन तीनों मुस्लिम देशों से किसी उत्पीड़न के शिकार होते नहीं है, उनके साथ तो धार्मिक उत्पीड़न का कोई प्रश्न नहीं है इन तीनों देशों के अंदर। इसलिए यदि वो भारत में आते हैं तो वो तो फिर बेहतर जीवन अवसरों की तलाश में घुसपैठी के रूप में आ रहे हैं। ये जो परिभाषा है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिड माना है 2005 में, चीफ जस्टिस थे आरसी लाहोटी, उनके नेतृत्व वाली 3 जजों की खंडपीठ ने जो फैसला दिया था वो यही था कि जो घुसपैठिए हैं उनको भारत में किसी मौलिक अधिकार की प्राप्ति नहीं हो सकती, मतलब वो यहाँ पर जीवन जीने का भी अधिकार नहीं पा सकते। और जो शरणार्थी है वो जो संयुक्त राष्ट्र की जिनेवा कन्वेंशन है उसके अनुसार उन्हें हर सदस्य देश को अपने यहाँ आश्रय देना पड़ेगा। तो यूएन की कन्वेंशन है, फिर वहाँ के रेफ्यूजी संबंधित उच्चायुक्त की परिभाषा है और यहाँ की 2005 की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इन तीनों को ध्यान में रख करके ये सरकार ने जो तय किया है ये बिल्कुल स्वाभाविक है और कानून और मानव जाति के लिए जो भी हो सकता है उसके अनुरूप है ये। आइए जानते हैं इस विषय पर सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के विचार। पश्चिम बंगाल में, असम में, जो छोटा सा हिस्सा बिहार का भी लगा है बॉर्डर पर,
उस सारे इलाके में ये जो अवैध घुसपैठ होती है, घुसपैठ ये आते हैं, तस्करी करते हैं, जनसंख्या असंतुलन उत्पन्न करते हैं, कई प्रकार की बातें करते हैं और मतों की आशा में लांगुल चालन की नीति चलती है। वहां राज्य सरकारें हैं लेकिन राज्य सरकारें उनको अनदेखी उनकी करती है। क्यों? मतों की लालच है, तुष्टीकरण की नीति चलती है। उसके चलते वहां हिंदू समाज का जीवन तो खतरे में आएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही रही है। सीमा के उस पार भी बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक जो हिंदू है उनकी जैसी हालत है, घुसपैठिए घुसते हैं और यहां आकर घुल मिल जाते हैं। रेशन कार्ड और मतदाता सूची में भी उनका नाम दर्ज होता है तो उनको मदद किसकी मिलती है? हमारे अपने समाज के लोगों की मिलती है। कभी कभी तो ऐसा दिखता है कि बंगाल आसाम की उस पर्याप्त जल वाली भूमि में खेती का परिश्रम वाला धंधा लोग छोड़ देकर घुसपैठियों को राशन कार्ड प्राप्त करा देने का धंधा कर रहे हैं, क्योंकि उससे आय ज्यादा होती है। 6 दिसंबर को होगी नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के लेखक V.S. नायपाल के विचारों पर संगोष्ठी। इंस्टीट्यूट फॉर नर्चरिंग इंडियन इंटेलेक्ट अर्थात भारतीय प्रज्ञा संवर्धन संस्थान द्वारा V.S. नायपाल के साहित्य पर संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार जी, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती व नायपाल पर शोध करने वाले डॉक्टर पंकज मिश्रा अपने विचार व्यक्त करेंगे। यह संगोष्ठी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की जाएगी। प्रसिद्ध लेखक V.S. नायपाल को 1971 में बुकर प्राइज और साल 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नायपाल ने अपने साहित्य जीवन में 30 से ज्यादा किताबों का लेखन किया है। 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस को 27 साल पूरे हो रहे हैं। नायपाल ने कहा था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण भारतीय संस्कृति पर हमला था जिसे ढहाना उचित था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह स्पेन ने अपने राष्ट्रीय स्मारकों का पुनर्निर्माण कराया है वैसा ही भारत में भी होना चाहिए। उन्होंने इस्लाम को ईसाइयत से ज्यादा खतरनाक बताया था। आइए अब जानते हैं 5 दिसंबर का इतिहास। उत्तम चंद जी ने राष्ट्र के हित में सर्वांग यशस्वी जीवन कैसे बिताया जा सकता है इसका अनुकरणीय उदाहरण हमारे सम्मुख रखा है। यशस्वी गृहस्थ, यशस्वी अधिवक्ता, यशस्वी सामाजिक कार्यकर्ता, यशस्वी स्वयंसेवक, यशस्वी कार्यवाह और यशस्वी संचालक जैसी भूमिकाओं को विभिन्न स्तरों पर निभाते हुए दैनंदिन शाखा जाने के अपने आग्रह में उन्होंने कभी कमी नहीं आने दी। ये विचार पूज्य सरसंचालक सुदर्शन जी ने श्री उत्तम चंद इसरानी जी को श्रद्धांजलि देते हुए व्यक्त किए थे। यशस्वी अधिवक्ता श्री उत्तम चंद इसरानी जी का जन्म 10 नवंबर 1923 को सिंध प्रांत में सक्सर जिले में हुआ था। बालपन में ही वे संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। उन दिनों सिंध में मुस्लिम गतिविधियां जोरों पर थी। शायद ही कोई हिंदू युवक ऐसा था जो उन दिनों शाखा ना गया हो। श्री इसरानी जी अपने परिवार सहित मध्य प्रदेश के भोपाल आकर बस गए। सिंधी कॉलोनी वाला उनका मकान ही संघ का प्रांतीय कार्यालय बना रहा। उन्होंने भोपाल विभाग कार्यवाह, प्रांत कार्यवाह और फिर प्रांत संचालक का दायित्व निभाया। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र संचालक के रूप में भी कार्य किया। 1977 में आपातकाल की समाप्ति और प्रतिबंध समाप्ति के बाद वे फिर संघ कार्य में सक्रिय हो गए। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हर संभव कार्य करते रहे। 5 दिसंबर 2007 को भोपाल में उनका निधन हुआ। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।